इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच T20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। ये सीरीज स्कॉटलैंड अपने घर पर खेल रही है, लेकिन स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज में एक नए विवाद का जन्म हो गया है। अब विवाद ये है कि स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये सीरीज खेली जा रही है, यहाँ पर कोई भी थर्ड एम्पायर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जैक फ्रेजर मैकगर को दूसरे T20 में जो विकेट उनका गंवाना पड़ा, अब उसके बाद ये जो विवाद है एक बार फिर तेजी पकड़ चुका है। पहले T20 में भी थर्ड एम्पायर नहीं थे, लेकिन उतना ज़्यादा ये बात हाईलाइट नहीं हुई थी। लेकिन सेकेंड T20 में जैसे ही फ्रेजर मैकगर का जो स्टंपिंग का विवाद हुआ, उसके बाद से ही अब ये बात उठने लगी है कि ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच जो T20 मैचेस खेले जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल मुकाबला खेला जा रहा है, वहाँ पर थर्ड एम्पायर क्यों नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच दो T20 मुकाबले हो चुके हैं, जहां पर पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को बड़े मार्जिन से जीत मिली और उसके बाद दूसरा T20 जो कि बीते दिन ही हुआ है, वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया ने 70 से ज़्यादा रन से ये मुकाबला जीत लिया। इस मैच में जॉश इंग्लिश ने काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सबसे तेज शतक था और उनकी नज़रें होंगी कि IPL में किसी न किसी तरीके से कोई टीम उनको परचेज कर ले। देखना होगा कि आगे IPL में किस तरीके से उनको टीमें परचेज करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैक फ्रेजर मैकगर, जिनका यहाँ पर डेब्यू हुआ है, पहले मैच में डक पर आउट हुए, लेकिन दूसरे मैच में 16 रन पर उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा, जहां पर स्टंपिंग के जरिए वो आउट हुए। अब जब उनका स्टंपिंग हुआ तो उसके बाद जब रेफरल लेने जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो वहां पर पता चला कि थर्ड एम्पायर है ही नहीं। और उसके बाद ये कहा भी नहीं जा सकता कि क्या ये नॉट आउट था या फिर आउट था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये विवाद बढ़ रहा है और थर्ड एम्पायर ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जैक फ्रेजर मैकगर का विकेट गंवाना पड़ा। हालांकि हो सकता है कि वो आउट भी हों, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो थर्ड एम्पायर क्यों नहीं है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर अब बवाल जो है वो पनपता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरीके से प्रदर्शन करती है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसे ही स्कॉटलैंड के खिलाफ खेल लेगी, तो 11 सितंबर से ब्लॉकबस्टर सीरीज ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड से खेलने वाली है, जो कि 11 सितंबर से शुरू होगी, जहाँ पर 3 T20 और 5 वनडे मुकाबले होने हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।